स्टोरी भाभी 107 लोग हमें देख रहे हैं। 107 नहीं है 173। आपका कितने साल का अफेयर रहा है? ताऊ जी के बच्चे हमने खिलाने थे, ताऊ जी हमारे बच्चे खिला रहे हैं मेहंदी की रस्म। हाँ, और रियलिटी अभी नहीं है। इन हाथों में हस्बैंड की खुशी कितनी है? हाँ, कितनी खुशी है आपको? और तो बड़ी खुशी है। और आप कितने उत्साहित हैं? हाँ, कल की शादी आपको उतनी हमें भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड ब्लॉगर क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। और आज आप लोगों को पता है कि आज ढोल दमो आने वाले ताऊ के घर पे, तो चलिए वहीं चलते हैं, वहीं आप लोगों से मिलते हैं और ढोल दमो में डांस करेंगे। देखते हैं ताऊ कहीं हमारा पोपट ना कर रहे हो। ताऊ ने बताया कि ढोल दमो आ रहे हैं, वहीं जाके पता चलेगा कि सच में आ रहे हैं या कल आएंगे। तो चलो जल्दी से वहीं चलते हैं, वहीं जाके मिलते हैं। और मैंने आज कुर्ता पहना हुआ है क्योंकि आज हमारा खाना वहीं पे है, तो आज से हमारा खाना वहीं पे शुरू हो गया है। तो दो दिन मतलब शादी तक वहीं पे चलेगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं खाना खाने के लिए और ढोल दमो में डांस करने के लिए। ऊपर ना मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और पता चले शादी से पहले मैं बीमार पड़ जाऊँ, वैसे मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ती हूँ। और यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई है तैयार व्यार होके। इतनी धीरे क्यों? हेलो, चलिए पार्टी खाने तैयार हो? बिल्कुल। कब से? कब से ढोल दमो में डांस करने के लिए तैयार बैठे हैं। ताई का वेट कर रहे हैं हम, जरा ताई आएंगी तब हम चलेंगे। रास्ते में ये भाभी भाभी बिल्कुल भाभी बिल्कुल बांध बनी हुई है, बांध घर वाली पार्टी आज से शुरू हो गई। हाँ, और मम्मी लोग पीछे रह गए, हम दोनों जल्दी ज्यादा स्पीड में भाग रहे हैं। एक दिन पहले से हमारे खाने की बुकिंग है। हाँ, इतने अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे। उनको बहुत चिंता है कि बहुओं को काम ना करना पड़े, तो एक दिन पहले से ही खाना पीना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए सुमित सामने खड़ा वेन्यू में, हमारा वेन्यू। सुमित ये हमारे ताऊ और यहाँ पे भैया। आप कुछ कहना चाहते हैं पंकज भाई की शादी को लेके? कितनी खुशी है आपको? कितनी खुशी है आपको? और तो बड़ी खुशी है। और आप कितने उत्साहित हैं? हाँ, कल की शादी आपको उतनी हमें भी उससे ज्यादा है। हाँ, और यहाँ पे बन रहा है खाना इस तरफ, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठे हुए हैं। नमस्ते नमस्ते ताई, नमस्ते एरी। ताई जल्दी, ताई जल्दी बनने वाली है सास। अच्छा ये तो बताओ सास, ये तो बताओ सास बनने की खुशी कितनी है? हाँ, खुशी है। नमस्ते। ओए ये देखो भाई क्या हाल है श्वेता, बढ़िया। और यहाँ पे बोला जी अपने कपड़े की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े वपड़े रख रहे हैं। जीटा जी, भाभी के जीटा जी आए। डिग्गू के ताऊ पहले मुंह दिखाई दे, ठीक है? पहले भाभी यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रही है, कह रही है 101 फॉलोवर्स है उसके। हाँ, नहीं है मेरे 173 हो गए। और ये है हमारी चाची, मम्मी और भी आ गए। मुझे पता है शादी से रिलेटेड कुछ ऐसा है। बोल ले, ये हमारा गांव का कभी ना बूढ़ा होने वाला लड़का है। सही, तो ये भी तो यार वो है नहीं बन का। हाँ वही रिकॉर्ड रिकॉर्ड। काफी बूढ़ा लग रहा है लेकिन अपने को मान नहीं रहा है, शादी नहीं कर रहा। गर्लफ्रेंड 19 साल की, 19 साल की दिन 24 साल की हो गया। ज्यादा कम बता दे भाभी ने 19 साल। दीदी नमस्ते, इनको आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, ज्योति दीदी। बोल गया रहे वैसे तो ताऊ जी के बच्चे हमने खिलाने थे, ताऊ जी हमारे बच्चे खिला रहे हैं। कोई नहीं, भाई की शादी भी जल्दी होगी। अब मेरी शादी अगले साल है। भाई भाई डुक्कू को कह रहे भाई साल बचाएगा। और भाई डुक्कू को कह रहे कि अभी चाचा बोल जब शादी हो जाएगी उसके बाद ताऊ बोलियो।
कौन है वो? वीडियो बना रहे। ये हमारी दीदी जो कि बुआ की लड़की है। अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कौन कौन है। ओह अंदर का, अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखो ताई नमस्ते। हाँ चाची नमस्ते। जय करो। हाँ चाची नमस्ते। और इस तरफ लग रही है मेहंदी लच्छी दीदी। दिखाना वो नहीं है अभी सिम्मू पंकज भाई है, इनकी लव मैरिज है। मैं बताऊंगी ना। हाँ चलो स्टार्ट करो। तो ये पूरी हाँ पूरी लव स्टोरी भाभी 107 नहीं है 173 है। ये मेरी बार बार ही बेइज्जती मार रही है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं करा। इतने ही लोग हैं, शर्माने वाली बात नहीं है, इतनी है 107 जो भी है। ठीक है तो ये हमारे दूल्हे राजा हैं। और इनके काफी कितने साल का, आपका कितने साल का अफेयर रहा है? अब सीरियस जवाब दे। पाँच साल हो गए। अरे भाई को याद नहीं है? तुझे याद हाँ भैया को याद नहीं अच्छे से। ऑफर मारा फिर 6 साल हो गए। ठीक है चलो 5 से 6 साल हो चुके हैं दर्शकों, अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अरे वैसे कैसे मिले, कैसे वो आपको अच्छी लगने लगी? फिर सारा खर्चा उठा रही थी मेरा, मतलब पंकज का। जेठ ने जेठ को मार दिया होता थप्पड़ इतने जोर से। जेठ की बीवी कहाँ से? जेठ है कहाँ तेरी बीवी, कहाँ तेरे बच्चे? भाभी भाभी बताओ पहले कि तुम्हें पहली बार कहाँ मिली? वो कहाँ मिली? क्या रोड पे मिली मुझे? ये तो सिंपल सा जवाब, रोड पे मिली। ऐसे ऑडियंस कैसे इंटरेस्ट लेगी? वही तो सही बात है। दो जानना तो है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस रोड पे चल रही थी, जब चलता गया देखा साले एक ऑफिस में मिल गए। क्या आप क्या बोला पहले? और जो हमारी भाभी है वो है बताओ हरियाणा की, कहाँ के? हरियाणा में कहाँ पे? रेवाड़ी। अच्छा तो हमारी आ रही है देसी भाभी, ये रे ताऊ हमारे। हेलो बोलो। आज मतलब सारे दिख रहे हैं, आज मैं सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को। और एक ताऊ ये रे दूल्हे के पापा जी। हेलो हाय कैसे हो आप सब? नमस्ते। हिनाई दी अब आ रही है, हिनाई दी ये अब आ रही है। और हमारा खाना मम्मी का आलिया, कैसा हो रहा है?
रही है, फिर भी नहीं उठ रही है। चलो डांस करने, डांस करने चलो ना। अरे कोई भी नहीं है, मजा नहीं आ रहा। वो देखो ताई उठ गई, ताई चले गई, बाकी सारे बैठे। तो क्या हुआ? स्पेशल गेस्ट आ गए हैं जो कि हमारे इंतजार कर रहे हैं, जिसका हमें था बहुत इंतजार। ये हमारे उत्तराखंड के स्पेशल ढोल होते हैं और जिनकी बीट की आवाज ही कुछ अलग है। अभी हम आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चिने वाली हाथों में गहरी लाली, कौन लगा रहे? भाभी भाभी कब सीखा आपने? कहाँ से सीखा आपने? गौरव को तो भाग खुल गए। क्या दोबारा रिपीट हो जाएगी लाइन? गौरव को तो भाग खुल गए, ऐसी मल्टी टैलेंटेड। ओहो, नौकरी चाकरी घर का काम, बच्चा संभालना, खुद को ससुर की बीड़ी छुड़वाना। तो बना ले वाला पिया का लिखती रहती सजना का नाम लिखती रहती का है। मैं हाथों में मेरे ये वाला डिजाइन लगा रही है जो फोन में दिख रहा है, देखते हैं यही लगता है या दूसरा कोई लग जाएगा। हाँ, और रियलिटी अभी दिखाई जैसी मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई वैसी वहाँ पे ढोल दमो बजने शुरू हो गए। अच्छी वाली लग चुकी है, वैसी लग पाई है या कुछ और बनाई? कमेंट में बताइएगा गाइस कि कैसी लगाई है मैंने, कि कितनी गंदी लगाई है। कल इसके बदले मेरा मेकअप करेगी। हाँ, वो बताना कैसा लग, कैसा करा है। फिलहाल आपके यहाँ पर लिपस्टिक लग रही है। मल्टी टैलेंटेड भाभी हूँ। मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है जो कि भाभी ने लगाई है, काफ़ी अच्छी मेहंदी। ये वाली मेहंदी भाभी ने वहीं पे लगा दी थी, ये मैंने घर में आके लगवाई है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लग रही है। मैंने फ्रंट में नहीं लगवाई, मैंने सिर्फ बैक में लगवाई है, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लग रही है, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी। तो चलिए और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वैसे मैं बोल रही थी कि ढोल दमों में डांस करेंगे, बहुत मज़े करेंगे, लेकिन ढोल दमों में डांस नहीं करा, बाकी मज़े हमने फुल करे हैं।
ढोल दमो मैं इतना दिखा नहीं पाई क्योंकि ढोल दमो वाले खुद ही इतना लेट आए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। और मैं ना जब उन्होंने बजाना शुरू करा अच्छे से तो मैं यहाँ मेहंदी लगवाने लग गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई। और थोड़ा बहुत सुमित ने रिकॉर्ड करा है मम्मी लोगों का डांस ढोल दमो में, तो वही मैं आप लोगों के साथ मैंने आगे शेयर करा है। तो बाकी ढोल दमो में मैं कल डांस करने वाली हूँ, मेरे को ढोल दमो बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए ढोल दमो लगी हुई मैं तब से। होप आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं ना अपने चैनल का नाम चेंज करने की सोच रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तेरे चैनल का नाम क्या है। मैं श्वेता थपलियाल सर्च कर रही थी, एक आंटी ये बोल रही थी कि मैं श्वेता थपलियाल सर्च कर रही, बट तेरा नाम मिल नहीं रहा, तेरा चैनल मिला नहीं मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं श्वेता थपलियाल से ही मतलब अपने चैनल का नाम रख दूँ ताकि अगर कोई सर्च करे तो सर्च में आए मेरा नाम। तो चेंज करूँगी मैं जल्दी चैनल का नाम। बाकी व्लॉग होने वाला है न्यू तेर का और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसलिए देखने ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।